जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। साथियों, मैं राजेंद्र अजमेर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है स्पेशल किसके लिए है, राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल है उसमें आपके कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल आपके जीडी सामान्य, और इसके अलावा कांस्टेबल बैंड और आपके दूसरे पद हैं उसके लिए सवान वगैरह उनके लिए, ठीक है। तो इनके लिए जो आयु छूट की बात है, तो पहले वैकेंसी आई थी, कल वैकेंसी आई थी, उसमें आयु छूट केवल एक वर्ष दी गई थी, ठीक है। तो हमने मुद्दा उठाया, मेल वेल किए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 12 जून 2023 को एक कार्मिक विभाग ने नोटिस भेजा था। क्या भेजा? आयु छूट के बारे में सबसे पहले तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो 4 वर्ष की जो आयु छूट दी गई है किस आधार पर हमें दी गई है और कितने विभागों में ये आयु छूट दी गई है, ठीक है। ये है दोस्तों आपके कार्मिक विभाग का नोटिस है, ठीक है, 12 जून 2023 को। इसमें अधिसूचना जारी की गई थी कि आपके भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत, मतलब इसमें संशोधन किए गए। क्या क्या संशोधन किए गए हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसमें संशोधन नीचे देखिए, सारणी अनुसूची स्तंभ 2 और 3 में उल्लेखित नियम, ठीक है, जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था, इसको आप देखना, ठीक है, जो व्यक्ति 31/12/2020 में जो आयु सीमा के अंदर था, जैसे जैसे कांस्टेबल भर्ती में 31/12/2020 को अगर आपकी आयु 28 वर्ष हो रही है तो उस आयु को उठाकर 31/12/2024 तक लिया, क्या 31/12/2024 तक उस आयु को ले लिया, यानी कि आपकी सीधे चार साल की छूट यहां पर दी गई है। कितने 4 साल की छूट दी गई है, यानी कि अब वो बंदा 31/12/2024 तक 28 साल का है तो उस भर्ती में आप फॉर्म भर सकते हैं। 28 साल बात कर रहा हूं मैं आपकी ओबीसी एससी एसटी की, और जनरल का कम हो जाएगा, उसमें कोई वो नहीं। कांस्टेबल की जो आपके 28 साल अदर कैटेगरी की बात यहां पर हो रही है, जो कांस्टेबल जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु में था, जैसे कांस्टेबल के लिए सामान्य के लिए 23 वर्ष है तो 23 वर्ष का था, तो 31/12/2024 को भी अगर उसको क्या माना जाएगा, 23 वर्ष माना जाएगा। ये तो था दोस्तों आपके कार्मिक विभाग का जो नोटिस 12 जून 2023 का। उसमें कौन कौन से विभागों में यह छूट दी गई है, सबसे पहली बात देखने को यहां पर है कि सभी विभागों को नहीं दी गई है, यह और ध्यान रखना आप। राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम 1958 के तहत, ठीक है, नियम कौन सा है, 12वें नियम है। इसके अलावा दोस्तों आपके राजस्थान चिकित्सा सेवा महाविद्यालय शाखा के अंदर दी है, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 में यह छूट दी है, राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, यानी कि जो आयुष विभाग है, आयुष विभाग के नियम 9 में यह जो है दे रखा है, उसमें यह छूट दी गई है, कितनी 4 साल की। उसके अलावा नागरिक उड्डयन राज्य सेवा संस्थान नियम, जो राज्य सेवा नियम है उसमें दी गई है, राजस्थान पूरा लेख अधीनस्थ सेवा नियम में भी यह छूट दी गई है, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में 1989 के 11 नंबर पे जो नियम है 11(3) पे ये आता है, तो उसमें राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल है, राजस्थान पुलिस के अंडर जितनी भी वैकेंसियां हैं उसमें दोस्तों अधीनस्थ सेवा के अंदर, किसमें, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत आती है, उसमें आपके 4 साल की छूट दे रखी है। इसी प्रकार राजस्थान कारागार अधिनियम सेवा नियम में भी, अधीनस्थ सेवा नियम में भी ये छूट मिलेगी, राजस्थान अगर जेल प्रहरी की वैकेंसी आती है तो 4 साल की छूट मिलेगी, और दोस्तों उप कारागार की जो वैकेंसी आती है उसमें भी 4 साल की छूट यहाँ पर मिलेगी। फिर दोस्तों आपके राजस्थान संस्कृत आपके महाविद्यालय शाखा नियम 2022, इसके नियम नंबर 14 में भी ये छूट दी गई है, तो टोटल 9 विभागों में 4 साल की छूट दी गई है, ना कि सभी विभागों में। जैसे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली है तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये छूट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो जितने भी, जैसे कि आपकी सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है उसमें भी ये छूट नहीं मिलेगी, सफाई कर्मचारी आता है स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत, किसमें, जो आपके स्वायत्त शासन डीएलबी, जो आपके डीएलबी विभाग है उसमें आता है, तो उसमें भी नहीं मिलेगी। जितनी भी आपके स्वायत्त शासन की विभाग की है, यानी इन 9 विभागों के अलावा अगर कोई भी विभाग आती है तो उसमें 4 साल की छूट यहां पर नहीं मिलती है। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर वापस, अपने राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी है उसके ऊपर, कि जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को 4 साल की छूट दी गई है, उसके बाद में जो दोस्तों आपके जनरल की क्या स्थिति रहने वाली है, ठीक है, कांस्टेबल सामान्य
इंटेलिजेंस, पुलिस दूरसंचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए, यानी जो आपके वायरलेस ऑपरेटर है उनके लिए, सामान्य जीडी के लिए है, घुड़सवार, बैंड, श्वान दल आवेदकों के लिए ये दे रखा है, ठीक है। कॉन्स्टेबल चालक का यहां से अलग से दे रखा है कॉलम, उसकी बाद हम बाद में बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामान्य के अंतर्गत आयु आती है किन किन की, चालक के अलावा सभी की आयु कितनी मानी गई है, आपके न्यूनतम 1 जनवरी 2006 को, कितनी 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं भर सकते हो आप, ठीक है। 1 जनवरी 31 दिसंबर 2005 को अगर आपकी डेट हो रही है तो आप भर सकते हो, लेकिन यहां पर 2 जनवरी आती है तो 2 जनवरी 2006 वाला फॉर्म यहां पर नहीं भर सकता है। न्यूनतम आयु की बात तो यह है, और अधिकतम आयु पुरुष की बात, यहां जनरल की बात करें, ठीक है, पुरुष और महिला की जनरल की बात करेंगे, अभी केवल किसकी बात करेंगे, जनरल की, ठीक है। तो 2 फरवरी 1997 से अगर वो नीचे है, 2 जनवरी है 2 जनवरी 1997 से उसकी अगर डेट ऊपर है, यानी 1 जनवरी 1997 भी डेट है उसकी, तो वो फॉर्म यहां पर नहीं भर सकता है 1 जनवरी 1997 नबकी, जबकि 2 जनवरी 1997 वाला यहां पर फॉर्म भर सकता है। तो ये थी आयु छूट में 4 साल की छूट की बात है। इसी प्रकार जो आपके 2 जनवरी 1992 की जो जनरल महिला है, सामान्य महिला कैटेगरी में आती है, उसमें दोस्तों आपके 2 जनवरी 1992 वाली जो भर सकती है, ना कि 1 जनवरी वाली। और उसके पहले मैंने बता दिया कि इसकी जो डेट है 2 जनवरी 2006 को नहीं होनी चाहिए। अगर 1 जनवरी 2006 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो रही है तो आप भर सकते हैं उसमें, ठीक है। यह तो हो गई आपकी सामान्य की बात, कौन सी बात हो गई, सामान्य, जनरल की बात हो गई थी। अब बात करते हैं हम एससी एसटी ओबीसी की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी बीसी यानी ओबीसी और एमबीसी की बात करते हैं, जो आपके कॉन्स्टेबल सामान्य, ठीक है, कौन कौन सी आयु के लिए छूट दी गई है इसमें, कॉन्स्टेबल सामान्य, इंटेलिजेंस, ठीक है, पुलिस दूर संचार, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, ठीक है, इनके लिए जो आपके कैटेगरी वाइज छूट है, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी और एमबीसी, उनके लिए न्यूनतम आयु यानी 1 जनवरी 2006 को, वही सेम है, 1 जनवरी 2006 के बाद में अगर उसका जन्म हुआ तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। 1 जनवरी को हुआ है 2006 को तो वो फॉर्म भर सकता है, 31 दिसंबर 2005 को जन्म हुआ तो वो भर सकता है, लेकिन 2 जनवरी 2006 वाला फॉर्म यहां पर नहीं भर सकता है। अब कैटेगरी में छूट के बाद में जो आपके कैटेगरी वाले कौन कौन से, आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और एमबीसी, उनके लिए जो अधिकतम आयु पुरुषों की है 2 जनवरी 1992, यानी कि आपके 2 जनवरी 1992 से पहले, 1 जनवरी 1992 आपकी डेट है तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, 2 जनवरी के बाद वाले सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार महिला की बात सेम है, 1987, 2 जनवरी 1987 से पहले का जन्म है, यानी 1 जनवरी 1987 का भी जन्म है तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, सेम यहां पर मैटर है। फिर दोस्तों आपके राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं मृत पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को आश्रित जो अनुकंपा नियुक्ति के तहत या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी है, उनमें दोस्तों सेम यहां पर सिस्टम है कि आपके 2/1/1994 दे रखी है, यानी कि इनकी छूट यहां पर कम कर दी गई है, 4 साल की छूट यहां इनको नहीं दी गई है। पुरुषों की बात यहां पर कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 1994 की अगर आपकी डेट है तो फॉर्म नहीं भर सकते हो, उससे पहले की है तो नहीं भर सकते हो आप, ठीक है। ये हो गई भूतपूर्व सैनिकों की, यह बात यहां पर है, वही 18 साल न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है, तो वो तो कोई इसमें इश्यू नहीं है। भूतपूर्व अगर कोई सैनिक है तो कम से कम उसकी जो 15 साल की जॉब हो तभी ये कोटा उनको मिलता है, तो यहां तो इसका कोई सेंस नहीं रहने वाला है। फिर अधिकतम आयु दोस्तों इनकी जो 2 जनवरी 1978 यानी कि 2 जनवरी 1978 के बाद का अगर जन्म हुआ है तो वो भर सकते हैं, और 2 जनवरी 1978 से पहले का जन्म है तो वो नहीं भर सकते आप यहाँ पे, ठीक है। वो इसी प्रकार महिला में दे रखा है। फिर कॉन्स्टेबल चालक, कॉन्स्टेबल चालक के आवेदकों के लिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, नए सिरे से, कि जो आपके कॉन्स्टेबल ड्राइवर है राजस्थान पुलिस में, कि राजस्थान पुलिस कॉन्स्टेबल ड्राइवर में जो आपकी आयु छूट दे रखी है वो कितनी हो सकती है, ठीक है, वही है सेम आपकी 4 साल छूट। मैंने आपको बताया किस आधार पर यह छूट मिल रही है, ठीक है, कि जो आपके 12 जून 2023 को जो कार्मिक विभाग का नोटिस आया था, 9 विभागों की जो छूट है उसमें राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में भी छूट दी गई है, उसी के तहत आपकी कॉन्स्टेबल चालक यानी कि
आपके कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए जो वैकेंसी है उसमें आयु छूट दे रखी है, कितनी दे रखी है, न्यूनतम कितनी है और अधिकतम कितनी है, ठीक है। तो आपके कॉन्स्टेबल ड्राइवर के लिए सामान्य जनरल की जो आपके पुरुष और महिला दोनों की 18 साल कब होनी चाहिए, 1 जनवरी 2006 से पहले का अगर उसका जन्म है तो 18 साल वो काउंट हो जाएंगे, अगर 2 जनवरी का है तो वहां पर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इसी प्रकार आपके उसके बाद नियम तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, 2 जनवरी 1994 के पहले का अगर जन्म है आपका, यानी कि 1 जनवरी 1994 का जन्म है तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसी प्रकार महिला का है दोस्तों आपके 1989, 2 जनवरी 1989 से पहले का जन्म है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। फिर दोस्तों यहां पर कॉन्स्टेबल चालक ड्राइवर की बात कर रहे हैं, EWS, SC, ST, OBC, MBC और सहरिया वर्ग के लिए वही न्यूनतम 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म है तो नहीं भर सकते हैं। और दोस्तों 2/1/1989 से पहले का जन्म है तो नहीं भर सकते हैं, वही सेम सिस्टम है। और 1984 यहां पर दे रखी है कि इनकी महिलाओं के लिए। फिर वही राज्य सरकार के कर्मचारी, मृत पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों के लिए सेम है, ठीक है। इसमें दोस्तों राज्य सरकार कर्मचारी के लिए 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आपके 2 जनवरी 1991, यानी कि 1 जनवरी 1991 का अगर आपका जन्म है तो उसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, 2 जनवरी है तो फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गई पुरुष की बात, और महिला की 1986। ये थी राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल की आयु छूट, कांस्टेबल चालक, परिचालक, घुड़सवार, बैंड, स्वान दल, सबकी जो आयु छूट के बारे में विस्तार से मैंने आपको समझाया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।